नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस एमपी की टीम महा कवरेज आपको दिखा रही है। अगर बात करें तो नीमच मंदसौर जावरा लोकसभा सीट को लेकर पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। किस तरीके से आज मध्य प्रदेश में अंतिम चौथे चरण का मतदान किया जा रहा है और किस तरीके से पोलिंग बूथ पर कतार लगी हुई है। सुबह का वक्त है, जिस तरीके से ठंडा वक्त है और इस वक्त माना जा रहा है कि सुबह जितनी भीड़ आएगी उतना वोट प्रतिशत बढ़ेगा। ऐसे में बात करें जिस तरीके से नीमच के कलेक्टर दिनेश जैन ने जिस तरीके से प्रयास किए थे, जिस तरीके से अभियान चलाया था जागरूकता को लेकर, अधिक से अधिक मतदान करने को लेकर, उसका सफल होते हुए यहाँ पर जो है दिख रहा है और लगातार कतार लगी हुई है। ऐसे में बात करेंगे, इस वक्त कुछ मतदाता हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। किस तरीके से पहला वोट उन्होंने डाला, क्या कहेंगे बाबूजी, किस तरीके से अपने मत का उपयोग करना चाहिए? मत का हमेशा उपयोग करना चाहिए, ईमानदारी के साथ उपयोग करना चाहिए। किस तरह की अपील आप मतदाताओं से करना चाहेंगे? सबको घर से बाहर निकलना चाहिए, वोट देना जरूर चाहिए, अपना धर्म है। अब इसके बाद जरूरी कोई बात ही नहीं बचे, क्या माना जाए, सारा काम छोड़ दो, सबसे पहले मतदान, धर्म कर अपना पालन करो, यही धर्म है वोट देना, अपने देश को आगे बढ़ाना। क्या नाम है, कहाँ के आप? मैं प्रोफेसर अरुण जायसवाल। तो देखा आपने, ये प्रोफेसर साहब थे, साथ ही हम बात करें किस तरीके से पाटीदार जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछें किस तरीके से उन्होंने मत का उपयोग किया, क्या कहें, किस तरीके अपील आप करना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रयास नीमच कलेक्टर ने किए थे जागरूकता को लेकर, क्या सफल होते दिख रहे हैं? मेरा सभी जागरूक मतदाताओं से विनम्र अपील है कि वो मतदान करें और इस लोकतंत्र के पर्व में अपना हिस्सेदारी जरूर रखें। ये एक हमारे लिए बहुत ही आज का दिन जो है विशेष है, क्योंकि इससे हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है और हम सब चाहते हैं कि हम एक अच्छी सरकार बनाएं, इसलिए सभी अपने मत का प्रयोग जरूर करें। क्या कहेंगे भाभी, किस तरीके से आप अपील करना चाहेंगे महिलाओं से कि घर से अधिक अधिक संख्या में निकले और वोट डालने के लिए आएं? महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना चाहिए और अपने मत का सही प्रयोग करें। क्या कहेंगे, कहाँ के हैं आप, किस तरीके से मतदान किया, कब आए आप? मैं अभी आई हूँ, मतदान कर चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि महिलाएं आके अपने इस सरकार, अच्छी सरकार बनाने के लिए अपने वोट का प्रयोग करें। किस तरह की अपील आप मतदाताओं से करना चाहेंगे? अपने घर से निकलें, अपना वोट का प्रयोग करें और उस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। कहाँ के हैं भाभी, किस तरह की? शास्त्री नगर की हूँ, चौदह शास्त्री नगर की हूँ। क्या और सारे काम छोड़ो, सबसे पहले वोट डालो। अच्छा, और क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि महिलाएं जो है पहले काम में व्यस्त रहती है फिर मतदान करने निकलती है, तो किस तरह की आप अपील करेंगे कि पहले आप वोट डालें फिर दूसरा काम? नहीं तो अब सब जागरूक हो गए हैं, सब डालते हैं, सारे काम छोड़ के सबसे पहले वोट डालते हैं। क्या कहेंगे अभी, कहाँ के? सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, दो शास्त्री नगर नीमच। देखा आपने, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। अगर बात करें तो क्या कहेंगे, किस तरीके से बीजेपी कांग्रेस क्या माहौल बनता हुआ दिख रहा है? लोकतंत्र के महापर्व में आज एक तरह से लोकतंत्र का महापर्व है, हर वर्ग, हर समाज, हर महिला पुरुष इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और मेरी वॉइस ऑफ एमपी के मार्फत से ये अपील है कि हर मतदाता अपने मत का प्रयोग करे और देश में एक जागरूक सरकार बनाए। आने वाले समय में देश के भविष्य का निर्माण आपके हाथों में ही है। बड़ी बात कही है, निर्माण आपके हाथों में। फर्स्ट वोट आज जो पहला मतदान किया था, किस तरीके से, वरिष्ठ पत्रकार भी है उनसे जानने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से आपने पहला मत डाला है, किस तरीके से और सालों से आप ये करते आ रहे हैं? सवेरे सबसे पहले 5 बजे उठा और सबसे पहले ये सोचा सबसे पहले मतदान को, उसके बाद चाय पानी पियेंगे और बहुत अच्छा लग रहा है कि पहला मतदान मैंने किया है। क्या अपील करना चाहेंगे, जिस तरह जिला प्रशासन कलेक्टर ने और तमाम जो अधिकारी, उन्होंने एक जागरूकता अभियान चलाया था और जिस तरीके से वोट प्रतिशत बढ़े उसको लेकर, किस तरीके आप भी अपील करना चाहेंगे? मैं सभी मतदाता से निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, धन्यवाद। देखा आपने, अधिक जो है वोटिंग को लेकर जो अपील की जा रही है, साथ ही महा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में अंतिम चौथे चरण का मतदान है और इसके बाद जिस तरीके से मत पेटियों में जो है प्रत्याशियों का भविष्य कैद हो जाएगा और जिस तरीके से जिला प्रशासन ने जो तैयारियां की है, जिस तरीके से जो जागरूकता अभियान चलाया उसका असर यहाँ दिख रहा है और लगातार जो पोलिंग बूथ है जहाँ पर कतार भी लगती हुई दिख रही है।